तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आसमान जो है वो हम लोगों को नीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर आसमान नीला क्यों दिखता है, और 10th क्लास में जो है ये सवाल पूछा भी जाता है एग्जाम में। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि आसमान नीला है तो नीला ही ना दिखेगा, लाल थोड़े दिखने लगेगा। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि क्या आसमान सच में नीला है या किसी और रंग का है। तो आप इमेजिन करो कि आप रात में 12-1 बजे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पूरे मन से पढ़ रहे हो एकदम बिल्कुल ध्यान लगा के, अचानक लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट चली जाएगी आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ लगेगा काला काला, सब इधर देखिएगा सब काला दिखेगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आपको अपने अगल बगल जो काला रंग दिख रहा है, तो क्या सामने कोई काली चीज है या सिर्फ आपको दिख रहा है? तो जब हम लोगों को कोई भी रोशनी ना दिखे तो हम लोगों को कैसा रंग दिखता है? काला रंग की सब चीज दिखने लगती है, ठीक है। जैसे आप मान लो ना, आप किसी जंगल में गए हो, ठीक है, रात में चांद की रोशनी भी नहीं है, बिल्कुल 12-1 बज रहा है रात में, और वहां पर किसी जंगल में आप फंस गए हो, अब किधर भी आप दूर दूर तक देखो आपको सारा कुछ क्या दिखेगा? काला रंग ही दिखेगा। तो ऐसा थोड़े ना है कि जंगल काला हो गया, वो आपको सिर्फ दिख रहा है। इसी तरह आसमान का भी कोई रंग नहीं है, आसमान का दूर दूर तक कहीं अंत ही नहीं है। अब जब कहीं अंत ही नहीं है तो उसका रंग क्या होगा? इसलिए आसमान को जब कोई चांद पर जाकर देखता है ना, चांद पर जब किसी कोई आदमी गया तो वहां से अगर चांद को वो देखेगा, चांद को नहीं, चांद पर से आसमान को देखेगा, तो उसको काला रंग का दिखेगा। मतलब दूर दूर तक कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं, चारों तरफ काला एकदम सुन्न, कहीं कुछ नहीं दिखेगा। तो जब चांद से आसमान काले रंग का दिखता है, या धरती के बाहर आप वायुमंडल से बाहर चल जाइए अंतरिक्ष से, वहां भी आसमान काले रंग का दिखता है, तो धरती से क्या कारण है कि आसमान हम लोगों को नीले रंग का दिखाई पड़ता है? यही हम लोगों का सवाल है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि धरती पर हम लोग जो भी चीज देखते हैं वो हम लोगों को दिखता कैसे है। तो कोई भी चीज को देखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है आंख, और आंख के साथ क्या जरूरी है? रोशनी। अगर लाइट ही ना हो, रोशनी ही ना हो, तो कोई भी चीज हम लोगों को दिखेगी? नहीं दिखेगी। पूरा अंधेरा में अगर मेरे सामने भी ये पेन रहे तो हमें नहीं दिखेगा। अंधेरे में तो अपना हाथ भी इंसान को नहीं दिखता है, ठीक है। सबसे जरूरी क्या है? आंख, उसके बाद रोशनी। तो आंख तो सबके पास होता है, रोशनी कहां से आएगी? तो धरती पर रोशनी कहां से आती है? सूरज से। धरती पर रोशनी कहां से आती है? सूरज से आती है। तो धरती पर जो रोशनी आती है सूरज से, वो किस रंग का होता है? तो ये सफेद रंग का होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोल सकते हैं? श्वेत प्रकाश हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश इसको हम लोग बोल सकते हैं। धरती पर रोशनी कहां से आती है? सूरज से। सूरज से जो धरती पर रोशनी आती है वो कहां, किस रंग की होती है? श्वेत रंग की होती है। इसको हम लोग श्वेत प्रकाश किरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट। अब देखो, जब हम लोगों को कुछ नहीं दिखता था, जब हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था, तो कैसा दिख रहा था? सब काला, काला भूत एकदम। और जब हम लोगों को ये सफेद प्रकाश दिखता है ना सूरज का, हम लोगों को लगता है कि ये सफेद रंग की लाइट है या कोई सफेद रंग की चीज है, तो वो एक्चुअली सफेद ना हो करके वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। सफेद प्रकाश जो होता है ना, वो सफेद ना हो करके 7 रंग उसमें मिले हुए होते हैं। वो लगा भाग भाई आप झूठ बोल रहे हैं, 7 रंग कैसे होगा? तो इसको प्रूफ किया गया है। प्रूफ कैसे किया गया है तो आओ दिखाते हैं। देखो, हम लोग क्या किए, एक प्रिज्म लिए, ठीक है ना, इस शीशा का जो आपको दिख रहा है ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ये प्रिज्म क्या काम करता है? इसमें आप कोई भी लाइट डालोगे तो उसको तोड़ देता है वो जिन जिन रंगों से बना हुआ है। तो व्हाइट लाइट यानी सूरज का रोशनी को इसमें घुसा है, सूरज का रोशनी इसमें जैसे गया तो जो जो रंग से बना था, जो जो रंग इसमें था, सब रंग को यहां पर्दा लगा दिए, सब रंग दिख गया पर्दा पे कि कौन कौन रंग इसमें मिला हुआ था। तो यही 7 रंग, लाल या देखो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यही 7 रंग से मिल करके ना सूरज का सफेद रंग बना होता, सूरज का जो सफेद रोशनी होता है वो बना होता है। तो अब बोलोगे ऐसा आप कहे कि लाल को सबसे ऊपर रखे हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू को नीचे रखे हैं, अपना मने से रख दिए हैं कि कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ पे देखो, इसमें इस तरीके से इसको रखने का कोई ना कोई कारण है। इसको आप एक सीक्वेंस में याद कर सकते हो, विबग्योर, VIBGYOR, ये हमेशा इसी तरीके से रहेगा। अभी हमने लाइट को गुजारा तो ये इस तरीके से आया पर्दे पे, सबसे ऊपर रेड रहा, सबसे नीचे वायलेट रहा। अगर हम 3 दिन बाद भी इसको फिर से ट्राई करें, फिर से हमें यही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? यहीं पे हम लोग जो समझेंगे, इसी के कारण जो है आसमान हम लोग को नीला दिखेगा। सब कुछ बिल्कुल, सारा कुछ जो हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से कोई भी चीज नहीं छूटेगा। तो देखो, व्हाइट लाइट को हमने जैसे ही डाला, व्हाइट लाइट 7 रंग से मिलकर बना था। अब 7ों रंग जो सूरज से चल के धरती पे आता है ना, तो उछलते कूदते दौड़ते उड़ते आता है।
अब इसमें से कुछ लाइट जो है ना उछलने में माहिर है और कुछ लाइट एकदम आलसी एकदम फुजुर फुजुर करके चलता है। देखो जो जो ऊपर है वो उतना तेज उछलता है। सबसे ऊपर कौन है? रेड। तो रेड इस तरीके से छलांग लगाता है। रेड कैसे छलांग लगाता है? ऐसे लंबा लंबा छलांग लगाएगा, ऐसे रेड इस तरीके से छलांग लगाते हुए चलता है, ठीक है। रेड इस तरीके से लंबा लंबा छलांग मारते हुए चलता है। और सबसे नीचे क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब जो है ना ये सब एकदम आलसी की तरह चलेगा, एकदम ऐसे चलेगा कोई एकदम सुस्त होकर के एकदम चलेगा। और ये लोग एकदम छलांग लगा लगा के, जैसे सामने मान लो गड्ढा है एकदम उछल उछल के नहीं चलता है, वैसे ही लोग सबसे लंबा लंबा छलांग कौन लगाता है? रेड। तो सबसे ऊपर कौन है? रेड। उसके बाद लंबा लंबा छलांग कौन मारता है? ऑरेंज। तो इसके बाद क्या? ऑरेंज आ जाएगा इससे कम, फिर येल्लो उससे कम, फिर ग्रीन उससे भी कम, और बाकी ये तीनों जो है ये सब सबसे कम। तो ये जो छलांग मारता है ना, जितना लंबा छलांग, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। जिसका छलांग जितना लंबा उसका तरंग दैर्ध्य उतना ज्यादा, जिसका छलांग जितना कम उसका तरंग दैर्ध्य उतना कम, ठीक है, समझ गए। लाइट कैसे आता है? छलांग मारते मारते आता है। लाल रंग जो ये लोग क्या करता है? लंबा लंबा छलांग मार के आता है। नीचे वाला रंग सब जो है क्या? छोटा मोटा छलांग मार मार के आता है। अब देखो मान लो ये सबके सामने जो हम लोग कंकड़ पत्थर रख रहे हैं, ये कंकड़ हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, सबके सामने हम लोग करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, सबके सामने कंकड़ पत्थर रख दिए, यहाँ पे ईटा रख दिए मान लो, फिर यहाँ पे बड़का बड़ा पत्थर रख दिए, फिर यहाँ पे कंकड़ रख दिए, कंकड़ रख दिए, इसके सामने भी करेंगे, ईटा रख दिए, कंकड़ रख दिए, और पत्थर रख दिए, और यहाँ पे सब चीज रख दिए, और चीज रख देंगे। तो अब तुम ही बताओ कि दोनों कोई चल रहा है, कंकड़ से ज्यादा टकराएगा कौन? यहाँ ना चारों बगल फैला हुआ है, ठीक ना, ये कंकड़ जो है सब तरफ फैला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो अब तुम बस ये सोच के बताओ कि जो छोटा मोटा चाल चल रहा है ऐसे ऐसे एकदम बिजिर बिजिर, तो ई कंकड़ से टकराएगा या ई टकराएगा? अब तुम ही सोचो कि बड़ा जैसा नाला है, तुम जा रहे हो एकदम ऐसे ऐसे छोटा छोटा कदम से जा रहे हो, तो तुम नाला में गिरोगे या फिर लंबा लंबा छलांग मार मार के जा रहे हो तब नाला में गिरोगे? तो जो लंबा लंबा छलांग मार के जा रहा हो तो नाला छड़प जाएगा, और जो छोटा छोटा कदम से जा रहा हो सीधे नाला में टुभुक जाएगा, ठीक है। तो वैसे जो ये फुचुर फुचुर करके छोटा छोटा कदम लेके आ रहा था, जितना पत्थर होगा सबसे टकराते रहता है, शायद कोई पत्थर इसका साइड में नहीं रहे तो उससे नहीं टकराएगा, बाकी जितना पत्थर दिख रहा है सबसे टकराते जाता है। तो बोलोगे अभी आप बता रहे थे लाइट के बारे में, लाल रंग आ रहा था, ऑरेंज रंग आ रहा था, इन लोग के सामने पत्थर कहां से आया? तो देखो इसको अभी यहीं पे बताते हैं, सूरज का रोशनी कहां से आता है भैया बताओ? सूरज का रोशनी मान लो ये हमारा सूरज है, ठीक है, बड़ा जैसा सूरज है। सूरज का रोशनी जो धरती पे आता है, मान लो ये हमारा धरती है, ठीक है, धरती के चारों बगल क्या है? वातावरण है कि नहीं? वातावरण। और देख जानते हो ना हम लोगों की क्या है, ऊपर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, ये सारी गैसों की क्या है? परत है, बहुत ऊपर तक है। वातावरण के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये सब क्या है ना, इसमें धूल कण और गैस सब है, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में क्या है? गैसें और धूल कण है, ठीक है। पृथ्वी का वातावरण, पृथ्वी को चारों ओर से क्या है? घेरे हुए है, ठीक है। इस तरीके से पृथ्वी का वातावरण है धूल और गैस से जो है भरा हुआ। तो सूरज का जो रोशनी यहाँ से निकला, सूरज में तो यहाँ से सफेद प्रकाश निकला, ये सातों रंग निकला, लाल वाला लंबा लंबा छड़पते जा रहा है, बाकी ब्लू वाला जो जरी मरी करते जा रहा है। अब सब रोशनी जब यहाँ वायुमंडल में प्रवेश करेगा, रोशनी जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो रोशनी में वायुमंडल में जितना भी गैस का कण है, जो भी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितना गैस है, इसके अलावा बहुत सारा धूल कण है। गाड़ी चलते देखे हम रोड पे, गाड़ी चलता है ना, ट्रक वगैरह चलेगा तो देखो चारों तरफ धूल फैल जाता है, लगता है ना कि गाड़ी पार हो जाएगा तब भी जाएंगे, पूरा धुरदा उड़ाता है। तो वैसे वायुमंडल में धूल कण भरा हुआ है, उसी तरह गैसों के कण भरे हुए हैं। तो यही लाइट जब इससे आता है ना, तो इसी लाइट जो में कण है इनसे टकराते हुए रहता है। अब देखो यहीं पे हम लोग वापस आते हैं कि ये लाल, ऑरेंज, येलो, ये सब का जो लाइट है ना, ये सब लंबा लंबा छलांग मार के क्या होता है? सब धूल कण को पार कर जाता है। ये सब जो लाइट है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब क्या करता है? लंबा लंबा छलांग मार के सब कंकड़ पत्थर को पार करके अपना जगह पहुंच जाता है। लेकिन ये सब जो लाइट है नीचे वाला, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ये सब एकदम जरीसा जरीसा करते करते जहां दिखेगा टकराते रहता है। अब जाना था इधर, टकराने के बाद पहुंच जाएगा उधर, जाना था उधर, टकराने के बाद पहुंच जाएगा उधर, जाना था उधर, टकराने के बाद पहुंच जाएगा उधर। मतलब लाइट पूरे छितर जाता है, लाइट पूरा छितर जाता है, ध्यान देना क्या जाता है?
छितर जाता है। यहां पे इस शब्द को नोट करना, ठीक है। लाइट क्या हुआ, चारों बगल छितर जाता है। छितर एक मान लो ना, ये देसी भाषा में बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लाइट पूरा बिखर गया, उसी को बोलता है छितर गया या फैल गया, ठीक है। आप लोग ये शब्द यूज करते होगे, तो बस यही यही चीज आपको समझना था। लाल क्या किया, वो तो छलांग मार मार के जो है चल गया। ऑरेंज सब भी छलांग मार मार के चल गया। नीचे वाला सब क्या है ना, वो सब टकराते टकराते क्या हुआ, छितर गया। छितर गया तो छितरने को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन होना। क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसका प्रकीर्णन होना, या इसको बोलते हैं छितर गया ना, तो बोलते हैं इसका छितराव हो गया, छितराव हो गया। ये कहां छितर गया, तो ये वायुमंडल के चारों तरफ यही रोशनी जो है ना टकरा टकरा के छितर गया, वायुमंडल के सब तरफ। तो सब तरफ अब कौन कौन सा रोशनी छितर गया, यही इंडिगो ब्लू वायलेट यही सब चारों बगल फैल गया। लाल वाला सब तो अपना जगह पहुंच गया, तो हम लोग जब ऊपर देखेंगे तो चारों बगल जो छितरा था यही दिखेगा, तो क्या दिखता है हम लोगों को, यही। और हम लोगों का जो आंख है, मानव का जो आंख होता है, वो नीले रंग के प्रति जो है सबसे अधिक संवेदनशील होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होता है, नीले रंग के लिए। तो हम लोगों को ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन रंग दिखता है, नीला रंग दिखता है। तो इसलिए आसमान हम लोगों को किस रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है। इतना ही सिंपल था, यही। क्यों दिखता है, क्योंकि नीले रंग का तरंग दे दे छड़पने वाला स्पीड नीले रंग का तरंग दे बहुत कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं गैस के कणों से इसका छितराव हो जाता है या प्रकीर्णन हो जाता है, और हमें जो है नीला रंग जो है आसमान में दिखाई पड़ता है। बस इतना ही आसान था। इसी कारण जो आसमान हम लोगों को कैसा दिखता है, नीला, जबकि आसमान सच में नीले रंग का है नहीं, आसमान का कोई रंग नहीं है, दूर दूर तक आसमान का कहीं अंत ही नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे आपसे पूछे कि मोहन आज कौन रंग का कपड़ा पहन के आ रहा है, अब मोहन को तुम देखबे नहीं कर रहे हो, दूर दूर तक देख रहे हो, कहीं मोहन है ये ना है। अब जहां तक है तुम देख लिए मोहन है ये ना है, तो जब दिखिए नहीं रहा है मोहन, तो कैसे बताए कौन रंग का कपड़ा पहना है भाई। आसमान जब कहीं खत्म हमको दिखिए नहीं रहा है, दिखिए नहीं रहा आसमान का अंत कहाँ है, तो हम लोग कैसे बताए वो किस रंग का है। तो हम लोगों को कैसा दिखता है, आकाश काला दिखता है, लेकिन धरती पर वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, इसी प्रकीर्णन के फलस्वरूप हम लोग को आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। और एक सवाल आता है इसी टॉपिक से, और एक सवाल आता है कि जिस समय सूरज उगता है, जिस समय सूरज उगता है और जिस समय सूरज डूबता है, तो हम लोगों को सूरज लाल या नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी क्या हुआ था ना, एक बार सूरज को नारंगी समझ करके जा करके निगल गए थे। पढ़े होंगे आप लोग इस कहानी को। फिर सब देवता लोग रिक्वेस्ट किए कि छोड़ दीजिए, नहीं तो धरती का नाश हो जाएगा। तब फिर जा करके उन्होंने जो है सूरज को उगला था, ठीक है। तो नारंगी या लाल काहे दिखता है सूरज, तो देखो ये सब तो अपना इतना चलेगा, आलसी आदमी सब सबको कितनों समझाने समझेगा। लेकिन लाल देखो, धरती पर अभी यहां पे बनाए थे फोटो, जब सूरज उगने वाला होता है ना धरती पे, मान लो यहां पे हम लोग पहुंचे हैं, तो यहां पे सूरज उगने वाला है, तो अभी जो ये चलेगा, इसको चल करके जो है यहां से यहां तक घूम करके आना है, तो इसको पूरा वायुमंडल ज्यादा झेलना पड़ेगा। ज्यादा वायुमंडल मतलब ज्यादा धूल का कण, ज्यादा कण मतलब ज्यादा प्रकीर्णन। तो ये जितना ये सब कलर है ना, ये ब्लू वाला सब, ये सब टकराते टकराते थक जाएगा रास्ता में, इतना ही छितर जाएगा, बोलेगा हम आगे नहीं जाएंगे भाई, तुम ही लोग जाओ। तो ये लोग इधर रह जाता है टकरा टकरा के। आगे पता है वायलेट हार मान जाता है, इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो तक जो है हार मान जाता है, भाई हम नहीं जाएंगे, टकराते टकराते थक गए। लेकिन ऑरेंज और रेड जो है अपना लंबा लंबा छलांग लगा के लगे रहता है, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, देखो धरती इस तरीके से है, धीरे धीरे धरती घूमता है ना, तो जब यहाँ पे और सूरज की रोशनी इधर से जा रहा है, इतना तो वायुमंडल को चीरना है, साथ में इतना और जानना है, तो ज्यादा सफर करना पड़ता है, तो बाकी सब थक जाता है। ये लोग तो उछलने में माहिर है, तो रेड और ऑरेंज जो है उछलते उछलते पहुंच जाता है। तो हम लोगों को ना सबसे पहले हम लोगों के पास कौन सी रोशनी पहुंचती है, तो रेड और ऑरेंज जो है हम लोगों के पास पहुंचता है। सूरज से कौन सी निकला, तो सब रोशनी निकला, सब रोशनी सब कोई पहुंच जाता, तो हम लोग को सूरज सफेद दिखता। लेकिन पहुंचता कहां तक है, पहुंचता है रेड और ऑरेंज सुबह सुबह, काहे कि बाकी सब थक जाता है रास्ते में, थक नहीं जाता है, सब छितर जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। तो सुबह सुबह पहुंचा क्या, रेड और ऑरेंज। इसलिए हम लोगों को कैसा दिखता है, हम लोगों को दिखता है सुबह सुबह सूरज एकदम रक्त के तरह लाल दिखता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा और होगा तो ऑरेंज दिखने लगेगा, उसी तरह फिर जब ढलने लगेगा, फिर जब ढलने लगेगा फिर उधर घूमने लगेगा। सुबह दोपहर तक तो ठीक है, जब ढलने लगेगा फिर क्या होगा, फिर वायुमंडल का पूरा हो जाएगा, और उसमें क्या होने लगेगा ना, कि फिर जो है हम लोगों को यही दोनों रंग दिखेगा, बाकी सब रास्ते में थक जाता है। तो यही कारण है
कि लाल रंग क्यों दिखता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसी कारण रंग छिद्रता नहीं है, तो सुबह सुबह जो है लाल रंग हम लोगों को सूरज में दिखता है। आप लोग देखिए अगर ट्रैफिक लाइट, उसमें भी ना सबसे पहले आप लोग देखोगे ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा रंग यूज किया जाता है। देखो यहाँ से ट्रैफिक लाइट देखे हो ना, तो अगर खतरा का निशान देना है ट्रैफिक लाइट में तो आपको बोल देगा लाल रंग है, आप लोग नहीं हिलो, ठीक है, लाल रंग दे देगा कि नहीं हिलो। काहे कि अगर बारिश हो जाए चाहे कुछ हो जाए, दूर दूर तक जो आदमी है वो भी ट्रैफिक लाइट देखेगा तो भी उसको लाल रंग दिख जाएगा, क्योंकि लाल रंग छिदरेगा ना। उसके बाद देखो हम लोग यही तीन रंग यूज करते हैं, लाल हो गया, ग्रीन हो गया, चले जा नीचे वाला रंग सब यूज करेगा ना तो ये सब दिखवे नहीं करेगा, नीचे वाला रंग सब यूज करेगा तो ये सब दिखवे नहीं करेगा। येलो लाइट भी आप लोग देखते होंगे, लाल और ऑरेंज को एक साथ नहीं करता है, क्योंकि ऑरेंज और लाल हल्का हल्का मिलने लगता है, ठीक है ना, इसे लाल का यूज करता है, ग्रीन को यूज करता है, येलो को यूज किया जाता है ट्रैफिक लाइट में। तो यही क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसका प्रकीर्णन आसानी से नहीं होता है। तो यही मेन समझने वाला बात था कि आसमान किस रंग का होता है, तो आसमान का कोई रंग नहीं होता है। धरती से आसमान नीला क्यों दिखता है, क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य एकदम कम होता है, जिस कारण एकदम छलांगने मारता है, आलसी की तरह रहता है और जो भी धूलकण मिलता है सबसे टकरा टकरा के चारों बगल छितर जाता है, इतने छितर जाता है कि वायुमंडल में यही छितरा हुआ रहता है और हम लोग जब देखते हैं यही दिखता है। हमारा आंख क्या होता है, ब्लू के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी होता है, ये तीनों छितर छितर के फैला रहता है, हम लोग को दिखता ज्यादा क्या है, ब्लू। यही है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ जानना है तो कमेंट में कर दीजिएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।